1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर में एबी तारापुर ने अपने लीडरशिप में पाकिस्तान के 60 टैंकों को तहस नहस कर दिया था। सीमा पर अपनी वीरता का प्रदर्शन देते हुए ये परमवीर चक्र से सम्मानित अफसर इस जंग में शहीद हुए। इस जंग में भारत के 9 टैंकों पर हमला हुआ, लेकिन जवाब में इन वीर सिपाहियों ने 60 टैंके बर्बाद कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। 1965 अगस्त के समय कुछ पाकिस्तानी सैनिकों ने हमेशा की तरह भेस बदल कर कश्मीरी लोकल बनकर LOC को क्रॉस कर लिया था, लेकिन इन बहरूपियों को तब भी हमारी इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया था। उसके बाद 1 सितंबर को पाकिस्तान ने काउंटर अटैक लॉन्च किया जिसका नाम ग्रैंड स्लैम था। फिर 6 सितंबर को इंडियन फोर्सेस वतन की रक्षा करने के लिए रेड क्लिफ लाइन क्रॉस कर ऑफिशियली इंडो पाकिस्तान वॉर की शुरुआत कर दी। पाकिस्तान को झटका देने के लिए तारापुर ने फिल्लौरा पर आक्रमण किया। दुश्मनों की तरफ से भी जोरदार फायरिंग हो रही थी और लेफ्टिनेंट AB तारापुर जंग में बुरी तरह जख्मी भी हुए। हाई कमांडर के साथ कईयों ने उन्हें वापस लौटने को तक कह दिया था, लेकिन वे डटे रहे। पाकिस्तानी 60 टैंकों को बर्बाद कर ही उन्होंने अपनी सांसें छोड़ी। ये जवान अपनी वीरता के साथ वतन के लिए खुशी खुशी शहीद हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, अन्य देशों की तरह भारत को भी अपने डिफेंस के लिए ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइए।